रिपोर्टिंग आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आज थोड़ी नेट की समस्या थी, इसलिए मंगलाचरण यही कर लिया। आवाज आ रही? आचार्य श्रीधर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इनके प्रारंभिक पांच खंडों पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, जो कि मूल सूत्र और हिंदी अनुवाद सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, जिनकी क्रमशः मंगल वाचना चलते हुए अभी अपनी वाचना छठवीं पुस्तक पर चल रही है। इसमें 9 चूलिकाएं ही हैं, जिनमें से पहली चूलिका प्रकृति समुत्कीर्तन, इस पर चर्चा के बाद में दूसरी चूलिका स्थान समुत्कीर्तन, इस पर अभी अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कुल 117 सूत्र हैं, 59वें सूत्र पर्यंत भूमिका से लेकर आयु कर्म तक के बंधे स्थानों की चर्चा है। इसके बाद 60 से 109 सूत्र पर्यंत 50 सूत्रों द्वारा नाम कर्म संबंधी बंध स्थानों की चर्चा है, जिनमें से अभी अपनी चर्चा 26 प्रकृतिक बंध स्थान पर आ गई। इसमें नाम कर्म संबंधी कुल 8 बंध स्थानों की चर्चा आई है, जिनमें से नरक संबंधी 28 प्रकृतिक एक बंध स्थान की चर्चा के बाद में त्रिगति संबंधी 30 प्रकृतिक, 29 प्रकृतिक, 26 प्रकृतिक, 25 प्रकृतिक और 23 प्रकृतिक, इस प्रकार 5 बंध स्थानों की चर्चा आई है, जिनमें से 30 प्रकृतिक 3 बंध स्थान, पहला और तीसरा मिथ्या दृष्टि संबंधी और दूसरा सासाधन संबंधी। इसके बाद 29 प्रकृतिक भी 3, जिनमें से पहला और तीसरा मिथ्या दृष्टि संबंधी और दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि संबंधी। यहाँ तक चर्चा के बाद में 26 प्रकृतिक संबंधी एक बंद स्थान, जिस पर अपनी अभी चर्चा चल रही थी। प्रारंभ में 26 प्रकृतियां गिनाई थी, इसके बाद एक इंद्री को लेकर के कुछ चर्चा की थी कि लोक में तो वनस्पति काय के पैर हाथ आदि माने जाते, तो जिनागम उन्हें क्यों स्वीकार नहीं करता, यानी ये केंद्रीय के अंगोपांग क्यों नहीं मानते। तो उत्तर दिया, होते नहीं है इसलिए नहीं मानते। फिर संस्थान की चर्चा की, तो उत्तर दिया कि चूंकि हुंडक संस्थान अन्य संस्थानों का सम्मिश्रित रूप, इसलिए ये केंद्रीय के भले ही कुछ अंशों में
अन्य संस्थान भी दिखते हैं, पर सामान्य से एक मुंडक संस्थान ही माना गया। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। इनके कुल 16 भंग बनने हैं, ये भी चर्चा हो गई थी। इनका बंध किन मिथ्या दृष्टियों के होता है, यहाँ से आज अपनी चर्चा है। पेज नंबर 113 पर 77 में सूत्र से। हाँ जी, प्रदीप भैया जी पढ़ेंगे नवल गुरु जी। सेवेंटी सेवन सूत्र। पृष्ठ 113। गतिदिम एहं दिया बादर पंचत आदा उज्जवान मेखदर संयुतम बंधमानस तम मिच्छा दिट्स। वह 26 प्रकृति रूप बंध स्थान एकेंद्रीय जाति बादर प्रत्येक शरीर आताप और उद्योत इन दोनों में से किन्हीं एक से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, क्योंकि अन्य गुणस्थान वर्ती जीवों के एकेंद्रीय जाति का बंध नहीं होता है। नहीं, एकेंद्रीय जाति का बंध एकमात्र मिथ्या तो दर्शाना होता, इसलिए जो 26 प्रकृतियां जिनका बंध त्रेंच गति वाला मिथ्या दृष्टि कर रहा, ये अकेले एक गुणस्थान में ही, पहले गुणस्थान में ही बनती। यहाँ तक ये 26 प्रकृति वाले बंध स्थान की चर्चा संपन्न हुई। अब इसके बाद 25 प्रकृति वाले बंध स्थान की चर्चा। 25 प्रकृति वाले बंध स्थान में यहाँ दो प्रकार से बताए जा रहे हैं, तो उन दो की चर्चा अलग अलग है। सबसे पहले प्रकृतियां गिना रहे हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा पढ़ने में भैया जी को थोड़ी समस्या जाती है, इसलिए ट्राई करता हूँ। दीदी पढ़िएगा। मैं ट्राई करता हूँ। पढ़िएगा पढ़िएगा। तत् इमं पदं पणु विसाये ठाणं तिरिक गद्धि इयं दिया जादि ओरा लिए तेजा कम इय शरीरम हुंड संठानम वन्न गंध रस फास तिरिक कगदी पावो गण गानु उवी अगुर अगुरु अलहु अगुरु लहु अगुरु अलहु। नहीं, आप पहला तो रू के साथ अगुरु लहु अगुरु लहु उवगाद परगाद उस्सास थावरम बादर सुहुमान मेकदरम पंचतम पत्तेग साधारण
शरीर शरीरा नमिकरम साधारण शरीरान मेकतरम तिरि तिराण तिरातिराण तिरा तिराण मेकादरम मेकदरम मेकदरम सुहा सुहा मेकदरम दुहा दुहव अन्नादेजम अनातेजम जस कीति कित्ति कित्ति जस कित्ति अज अज सकी अजस अजस कित्ति अजस कित्ति एन एन अजस कित्ति एन कित्तेन अजस कित्तेन मेकदरम निमि नन निमि ननानम निमिन नामम निमिन नानम नामम नामम निमिन नामम एदासिम पड़म पणु विसाय पयडीन मेकमेह चेवठानम। बहुत अच्छा, ये अपनी मातृभाषा है, जिनवाणी अपनी माता है उनकी भाषा, मातृभाषा। आपने पढ़ने का उत्साह दिखाया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर सावधानी पूर्वक पढ़ा भी, बहुत अच्छा, साधुवाद। हाँ जी, अभी हिंदी ये उनके ऊपर जो अंके हैं उनको भी बोलते चलिए तो प्रकृति गिनने में सुविधा रहेगी। ठीक है, क्योंकि अन्य गुणस्थान वर्ती जीवों के एक सूत्र का था, हो गया था वो। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंद स्थानों में यह प्रथम 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। पहला तिर्यक गति, दूसरा एकेंद्रिय जाति, तीसरा औदारिक शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कारमाण शरीर, छठा कारमाण मण मण छोटा मण कारमण शरीर, छठा कुंड संस्थान, सातवां वर्ण, आठवां गंध, नवां रस, दसवां स्पर्श, ग्यारहवां तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, बारवां अगुरलु अगुरु लघु, थर्टींथ उपघात, फोर्टींथ परघात, फिफ्टींथ उच्छ्वास, सिक्सटींथ स्थावर, बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से कोई एक, सॉरी 17, 18th पर्याप्त, 19th प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, इन दोनों में से कोई एक, 20th स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, 21 शुभ और अशुभ, इन दोनों में से कोई एक, 22 दुर्भग, 23 अनोदय अनाद्य अनाद्य अनाद्य, 24 यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक, 25 और निर्माण नाप कर, इन प्रथम 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। इन 25 प्रकृतियों का बंध एक ही गुणस्थान में है, एक साथ, मतलब
एक ही परिणामों की निमित्तता में हो जाता। हाँ जी, शंका, अगुरु लघुत्व नाम का गुण सर्व जीवों के पारिणामिक है, क्योंकि अशेष कर्मों से रहित सिद्धों में भी उसका साद्रव पाया जाता, सद्भाव सद्भाव पाया जाता है। इसीलिए अगुरु लघु नाम कर्म का कोई फल ना होने से उसका अभाव मानना चाहिए। रुकेंगे, पहली चूलिका में इन्हें प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका, उसमें जब नामकरण के 93 भेद देख रहे थे अपन, तो जब अगुरु लघु नामकरण की चर्चा आई थी उस समय जिनागम में मुख्य रूप से 4 जगह अगुरु लघु शब्द आया है, ये चर्चा अपन ने की थी। याद आया किन्हीं को? एक और किनको याद आया? 2 और 3 और चलिए कहां से पढ़ा था ये भी याद आ गया होगा, निकाल लीजिए कौन कौन निकाल सकेंगे। हाँ जी अनुराधा बहन जी, बाल बोध गाइड से पढ़ा था दीदी जी, पढ़िएगा। छह सामान्य गुणों में मुख्य रूप से जिनवाणी में अगुरु लघु शब्द 4 स्थानों पर आया है। पहला, 6 सामान्य गुणों के अंतर्गत प्रस्तुत 5वां अगुरु लघुत्व गुण। दूसरा, समय सार परिशिष्ट में आगत 47 शक्तियों में से 17वीं अगुरु लघुत्व शक्ति। तीसरा, 8 कर्मों में से गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला सिद्ध भगवान का एक अगुरु लघुत्व नामक गुण। चौथा, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक अगुरु लघु नामक कर्म प्रकृति। रुकेंगे उनमें से, यहाँ पहले और दूसरे को लेकर के प्रश्न नहीं है, यद्यपि भाषा तो ये है कि अगुरु लघुत्व नाम का गुण सर्व जीवों के पारिनामिक है, तो उससे तो ऐसा लगता कि पहला और दूसरा वाला अपेक्षित, परंतु जो हेतु दिया वह तीसरे नंबर वाले की अपेक्षा, क्योंकि अशेष कर्मों से रहित सिद्धों में भी उसका सद्भाव पाया जाता है। ये हेतु तो जो गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ अगुर लघुत्व प्रतिजीवी गुण, उसकी ओर संकेत, क्योंकि जो पारिणामिक वाला अगुर लघुत्व गुण वह तो जड़ चेतन सभी में, जीव जीव सभी द्रव्यों में, तो वह तो सबके ही है। और जो सिद्धों वाला यह गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ अगुरु लघु गुण, अब इसकी संगति अपने को बिठानी। पहला हेतु लिया कि सर्व जीवों के पारिणामिक, इसमें तो ले लेना पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला, यानी अनंत अनंत सामान्य गुणों में से जो एक सामान्य गुण, जब अनंत अनंत सामान्य गुणों को मुख्य रूप से 6 गुणों में गिनाते, तो उसमें से
पांचवें नंबर वाला, यह है सभी द्रव्यों में। इसी प्रकार समय सार परिशिष्ट में जो 47 शक्तियां गिनाई उनमें 17वें नंबर की शक्ति, वह भी सभी द्रव्यों में। वास्तविकता तो ये है कि दो अलग अलग हैं ही नहीं, एक ही है, मात्र शब्दों का अंतर। यानी जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता, यानी कि वस्तु की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रहती, ये दोनों तो पर्यायवाची, ये तो है पारिणामिक भाव। इसलिए जीव जीव सभी द्रव्यों में, जड़ चेतन सभी द्रव्यों में। इसके बाद जो तीसरे नंबर का प्रतिजीवी गुण, जो कि गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला गुण, वास्तव में गुण नहीं छायिक भाव रूप पर्याय। यहाँ जो प्रश्न खड़ा किया यह उसे लेकर के, यानी गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ गुण लघुत्व गुण, जो कि सिद्ध भगवान के पाया जा रहा है, उसे लेकर के शंका कि जो सिद्ध भगवान के पाया जा रहा मतलब छायिक भाव रूप है, उसे संसारी जीवों के कैसे माना जा सकता। और ये जो संसारी जीवों के माना गया ये तो अघुर लघु नाम कर्म नामक एक प्रकृति और उसके उदय में होने वाली दशा, तो चूंकि वह छायिक भाव रूप इसलिए अघुर लघु नामक नाम कर्म और उसका फल ये मानना उचित नहीं है, शंकाकार की यह शंका। यानी शंका का आधार क्या, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कौन कौन दोहरा सकेंगे। शंका का आधार क्या है, यानी शंकाकार क्या पूछना चाह रहा है, कौन कौन दोहरा सकेंगे। हाँ जी बीना बहन जी, शंकाकार ये पूछना चाह रहे हैं कि जो गोत्र कर्म के अभाव से सिद्धों में भी जो अगरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, तो फिर वो तो मतलब एक पारिणामिक भाव हो गया, तो मतलब उसमें अगरु लघु नाम कर्म का कोई मतलब अभाव मान लेना चाहिए। मतलब जो अगरु लघुत्व है वो गोत्र कर्म के अभाव से जो सिद्धों के प्रकट हुआ है उसको भी अगरु लघुत्व गुण कहते हैं और वो पारिणामिक भाव रूप है। तो फिर यहाँ पे जो ये अगुरु लुगुत्व का मतलब कहने का मतलब कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि अगुरु लुगुत्व सभी पारिणामिक भाव होने से सभी जीवों में पाया जाता है। मैंने दो भावों की चर्चा की है, उसमें सामान्य जो एक तो सामान्य गुणों में पाया जाता है अगुरु लुगुत्व गुण, वो तो सभी जीव और अजीव दोनों द्रव्य में पाया जाता है। और जो दूसरे नंबर की जो शक्ति है 17वें नंबर की शक्ति समय सार में जो बताई है, तो वो और जो पहला वाला जो सामान्य गुण है ये तो सभी जीव मतलब जीव अजीव दोनों सभी द्रव्यों की अपेक्षा से है, वो अगर तो पारिणामिक भाव रूप है। और जो तीसरे नंबर का है वो गोत्र कर्म के अभाव रूप सिद्धों में पाया जाता है, और जो चौथे नंबर का है वो नाम कर्म के तीसरा कौन सा भाव, तीसरा अगुरुलुगुत्व गोत्र कर्म के अभाव में जो तीसरा पाया सिद्धों के अगुरुलुगुत्व गुण प्रकट होता है वो गुण, तो वो तो भाव वो शायिक भाव है, वो शायिक भाव है, वो जीव आप उसको परिणाम में कह रहे थे ना, इसलिए शायिक भाव और वो परिणामिक है, जो पहले और दूसरे वो परिणामिक है ना, जो पहले नंबर और दूसरे नंबर के पारिणामिक हो गए, और तीसरे नंबर वाला शायिक भाव हो गया, और चौथे नंबर वाला नाम कर्म की प्रकृति के उदय में होती है अगुरु। प्रश्न किसको लेकर के है,
प्रश्न ये तीसरे वाले को लेकर के है कि जब वो सिद्धों के वो जो अशेष कर्मों से रहित सिद्धों में जो इसका सद्भाव पाया जाता है, मतलब जो अगरु लुगुत गुण पाया जाता है सिद्धों में, तो वो ये कह रहे हैं कि सभी मतलब जीवों में पाया जाएगा ये अगरु लुगुत, तो इसका अभाव मानना चाहिए, ये ऐसा समझ आया मेरे को। पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। हाँ जी, और कौन बताना चाह रहे है? प्रियंका बहनी बहन जी, शंकाकार का ये प्रश्न है कि वो जो गोत्र कर्म के अभाव में जो प्रकट होता है और जो नाम कर्म की एक प्रकृति के भेद के रूप में अगुरु लघु, तो वो दोनों को मिक्स समझ रहा है। हाँ, तो दोनों के एक ही अर्थ कर रहा है, इसलिए शंका उत्पन्न हो रही है। यानी तीसरा छायिक भाव रूप और चौथा औदिक भाव रूप, और शंकाकार दोनों को एक में रख रहा। तेरा वो छायिक भाव जो सिद्धों के है वो सब में होगा, तो ये चौथे नंबर की एक प्रकृति जिसके उदय में औदिक भाव रूप अघुर लघु रूप शरीर बनेगा, इसके मानने की आवश्यकता नहीं, ये शंका है। हाँ जी, पढ़िएगा समाधान। समाधान, यहाँ पर उक्त शंका का परिहार कहते हैं, यह उपयुक्त दोष प्राप्त होता, उपरियुक्त यानी ऊपर कहा गया, यह उपरियुक्त दोष प्राप्त होता यदि अगुरु लघु नाम कर्म जीव विपाकी होता, किंतु यह कर्म उद्गल विपाकी है, क्योंकि गुरु स्पर्श वाले अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं के द्वारा आरब्ध शरीर के बनाया गया शरीर, आरब्ध शरीर के अगुरु लघुता की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो गुरु भार वाले शरीर से संयुक्त यह जीव उठने के लिए भी नहीं समर्थ होगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि शरीर के केवल हल्कापन और केवल भारीपन पाया नहीं जाता। हाँ, क्या समाधान दिया? तीसरे और चौथे को लेकर के शिष्य के मन में शंका खड़ी हुई। समाधान ये दिया कि हम वो चौथे नंबर का औदयिक भाव रूप अगुर लघु कर्म अपेक्षित है, पहले और दूसरे नंबर का तो पारिणामिक भाव रूप, तो वह तो जड़ चेतन सभी में, उनकी तो चर्चा ही नहीं। तीसरे नंबर का ये छायिक भाव रूप और जीव विपाकी प्रकृति के क्षय में प्रकट हुआ, इसलिए एकमात्र सिद्ध भगवान के पाया जाएगा, और जो ये चौथे नंबर का यह अगुरु लघु नाम कर्म की प्रकृति जो कि पुद्गल विपाकी यानी इसके उदय का सीधा संबंध शरीर के साथ, कि जिसके कारण ना तो शरीर इतना भारी हो जाएगा कि स्वयं भी ना उठ पाए, और ना इतना हल्का होगा कि वायु में रुई की तरह उड़ जाए, तो ऐसा ही पुद्गल विपाकी कर्म उसकी यहाँ चर्चा। तो ये संसारी जीवों के पाया जाएगा, सिद्ध भगवान के नहीं, क्योंकि कर्म प्रकृति के उदय में बना हुआ शरीर, सिद्ध भगवान की तो शरीर है नहीं, तो उनके ही नहीं पाया जाएगा। हाँ जी, शेष नाम कर्म का जब अभाव होता है तो नाम कर्म का जब अभाव होगा तो उसमें पूरी 93 प्रकृतियों का अभाव होगा, तो उनके अभाव में
सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व ये माना है और गोत्र के अभाव में अगुरु लग वो छायिक भाव और ये जो अगुर लघु नाम कर्म की प्रकृति इसके उदय में शरीर का अगुरुपना और अलगुपना। ये जो नाम कर्म की प्रकृति है अगुरु लघु की ये चौथे गुण स्थान तक ये काम करती है। हाँ, इसके बाद इसका भी अभाव हो जाता है। पुद्गल विपा की प्रकृति शरीर पर इसका उदय आना तो शरीर नहीं रहा तो इसका भी अभाव। तो इस गुण के कारण बन जी मूर्तिक बना जो बना रहता है वो अमूर्तिक अभाव में अमूर्तिक होगा और जो इसकी संसार दशा में मूर्तिक बना। हाँ जी, जब तक कर्म बंधन तो कथन थे तो मूर्तिक मोतियों कम में बंधा दो द्रव्य संग्रह में गाथा है। और जब गोत्र कर्म का अभाव होगा तो वो जो छाई भाव है हाँ, वो स्वभाव रूप प्रकट होएगा उस समय। हाँ, वह सिद्ध भगवान के भी रहेगा वो मूल अगुरु लघु नाम का जो है छाई भाव वो वहां प्रकट होएगा। हाँ, स्वभाव रूप जो है प्रतिजीवी गुण प्रतिजीवी। बहन जी इसमें भी एक विशेषता यह है कि तीसरे नंबर का जब प्रकट होगा तो चौथे नंबर का अभाव हो जाएगा, एक ही साथ रूपत हो रहा है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक मतलब विचित्र है। यानी प्रतिजीवी गुण का विकास होगा तो उसके विरोधी सभी कर्मों का पूर्णतया अभाव, तो ये अगुर लघु नाम कर्म का भी अभाव। और पहला दूसरा वाला तो एक ही, वह हमेशा रहेगा, हमेशा से रहता है या तो जड़ चेतन सभी के। दीदी जो तो परिणामी भाव है तो फिर मतलब सिद्ध भगवान को मतलब अभाव रूप में वे सभी के परिणामिक भाव सभी के तो सिद्धों के सिद्ध भगवान को भी अगरु लगो तो कुछ थोड़ी रहता है। वो वाला पहला दूसरा वाला वो भी है, उसके कारण षडगुणी हानि वृद्धि चलती। भगवान को कैसे चलेगी षडगुणी हानि वृद्धि? एक कर्म सापेक्ष नहीं है, एक पारिणामिक भाव सापेक्ष, तो वो तो सब में चल रही जड़ चेतन सब में। जो षडगुणी हानि वृद्धि जो होती है कर्मों की वो अलग बात है। कर्म सापेक्ष षडगुणी हानि वृद्धि होती नहीं, षडगुणी हानि वृद्धि हमेशा कर्म निरपेक्ष पारिणामिक भाव होती, तो वह तो जड़ चेतन सब में है। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनमें भी है और संसारी सिद्धि इनमें भी, और जो तीसरे नंबर का वह है प्रतिजीवी गुण, तो संसार दशा पर्यंत विकृत परिणमन और सिद्ध दशा में पूर्ण स्वाभाविक शुद्ध परिणमन छायिक भाव। और ये जो चौथे नंबर का नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति ये पुद्गल विपाकी, यानी इसके कारण ना तो शरीर इतना भारी हो जाता कि स्वयं से भी ना उठ सके और ना इतना हल्का होता कि रुई के जैसा उड़ जाए, तो जहाँ शरीर समाप्त हो जाएगा वहाँ यह भी समाप्त। तो सिद्ध भगवान के चौथे नंबर वाला नहीं है। हाँ, नौ शायिक भावों में से कौन से भाव में मतलब गिना जाएगा इसको? नौ शायिक भाव की अपेक्षा अलग है,
वे मात्र चार घाती कर्म के अभाव वाले। जब अपन पांचवी पुस्तक के अंतर्गत भाव वाला प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने चर्चा की थी कि छायिक भाव में घाती कर्म संबंधी छायिक भाव मुख्य क्यों किए, कि मूल उद्देश्य अनंत सुखी होना, परमात्मा होना, सकल परमात्मा हो गए। अब बाकी दशा कि वो अब अपने आप आएगी, उसके लिए अलग से सोच सोच करके कोई पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। तो नौ में अघाती कर्म का अभाव अपेक्षित नहीं है, मात्र घाती कर्म का अभाव उस संबंधी में नौ होते। ये तत्व ज्ञान विवेच का भाग एक में जो पांच भाव वाला प्रकरण, उसमें जब सभी कर्मों का क्षय होता वो कर्मों के क्षय के निमित्तता वाला भाव छायिक भाव, तब फिर आठ कर्मों संबंधी आठ छायिक भाव अथवा 148 कर्मों संबंधी 148 छायिक भाव क्यों नहीं गिनाए, इन नौ क्यों गिनाए, एक ये प्रश्न। और फिर उसके अंतर्गत ही कि घाती कर्म का छह मुख्य क्यों किया, तो उसको पुनः पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब इनके भंग शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर बादर प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ और यश कीर्ति इन पांच युगलों के विकल्प से 2 × 2 × 2। हाँ जी, पढ़िएगा, आएगी आवाज नहीं जा रही। पढ़ो दीदी, वो कट गया था कनेक्शन। हाँ जी, पढ़िएगा। 32 पंग पुनः। शेष सूत्रात सुगम है। यहाँ पर बादर प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ और यश कीर्ति इन पांच युगलों के विकल्प से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 भंग होते हैं। रुकेंगे यहाँ, चूंकि संस्थान सैनन वाली चर्चा ही नहीं थी, उसको लेकर के पांच या छह का अंतर पड़ता था। बाकी जो प्रतिपक्षी प्रकृतियों की चर्चा थी वहां मात्र दो दो, इस तरह से कुल 32 भंग हो जाएंगे। यानी बादर, बादर संबंधी 25, फिर सूक्ष्म संबंधी 25, ऐसे प्रत्येक शरीर संबंधी 25, साधारण शरीर संबंधी 25, इस तरह से अलग अलग, तो कुल 32 भंग होंगे। ये तो हुआ प्रथम स्थिति, प्रथम 25 प्रकृति बंध स्थान, कौन कौन सी प्रकृतियां उनकी चर्चा। अब ये किनके होता उसे बता रहे हैं, यानी इनके स्वामी मालिक कि ये होता किनके, उनकी चर्चा पढ़िएगा अलका भाभी जी। जी दीदी, तदिम इंद्रिय पद्यत बादर सुमान मेक मेक धर्म संयुत्तम बंद संयुत्तम बंद मानस तम विच्छा दृष्ट। यह प्रथम 25 प्रकृतिक
रूप, यह प्रथम 25 प्रकृति रूप बंद स्थान एक इंद्रिय जाति पर्याप्त बादल और सूक्ष्म इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त त्रियक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। इनका स्वामी ही मिथ्या दृष्टि जी। हाँ जी, क्योंकि उपरिम पुनस्थानवर्ती जीवों के एक इंद्रिय जाति बादल और सूक्ष्म इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब इसके बाद 25 की संख्या वाला ही दूसरा बंद स्थान, उसकी चर्चा। पहले सूत्र तथ इमं विदीय पनु विषाय तत्थानम विषाथानम ने आदि चाको ये के साथ लीजिए जी। तथ इमं विदीय पनु विषाय विदीय विदीय विदी ठीक है। हाँ जी, विदीय पणु विदीय पणु विषाय स्थानम गृह गदी वे इंद्रिय तीन इंद्रिय चौर इंद्रिय पंच इंद्रिय चतुर्थन चतुर्नम अच्छा चतुर्नम चतुर्नहन जादीन मेक मेक परम ओरालिय तेजा कम कमई शरीर शरीरम मुंडक मुंड संठान मुंड संठानम ओरालिय शरीर आंगो वंग संपत्त सेवट शरीर संघटनम संग संग संघनम वर्ण वर्ण गंध रस पास गृह गदी पाओ पास अच्छा ऊपर बिंदी पासम गृह गदी पाओ पाओ गानु पृथ्वी अगुरु गानु पुब्बी गानु पुब्बी अगुरु अ एक बार और बता दीजिए। अगुरु 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 लहू उपघात दस बादर अपजत पत्ते शरीर अखिल अशुभ अशुभ दुभ अन्ना देश आज शक्ति शक्ति अनादिज जी अनादिज अनादिज अना अनादिज जा में जा है अनादिज आज शक्ति आज शक्ति अजस कित्ति अजस कित्ति कित्ति कित्ते अजस कित्ते निमिनम 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 एदासिम विदिये पुन विषाय पैडीन मेकमि जेव जेवट थानम पैडीन मेकमि जेवट थानम पैडीये पैडीन में कम्य जेवट थानम हाँ। नाम कर्म के त्रयक गति संबंधी उक्त पांच बंद स्थानों में यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है।
त्रयक गति, द्वेन्द्रिय जाति, त्रि इंद्रिय जाति, चतुरी इंद्रिय जाति नहीं चतुर इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, इन चारों जातियों में से कोई एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, तीसरा औदारिक शरीर, चौथा तीसरा औदारिक शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कार्मण शरीर, छठवा हुंड संस्थान, पांचवा औदारिक शरीर आंगोपान, छठवा आसम प्राप्ता त्रिपाठी का शरीर, आठवा संप्राप्ता त्रिपाठी का शरीर सहनन, नौवा वर्ण, दसवा गंध, ग्यारहवा रस, बारवा स्पर्श, तेरहवा त्रयग त्रायोगान गति, त्रयग गति प्राग्योया नुपूर्वी, प्राग्या नुपूर्वी, त्रयग गति प्रायोग्य योग्यानुपूर्वी, चौदवा अगरु लघु, पंद्रवा उपघात, सोलवा त्रस, सत्रवा बादर, अठारवा अपर्याप्त, उन्नीसवा प्रत्येक शरीर, बीसवा अस्थिर, इक्कीसवा अशुभ, अस्थिर और बाईसवा अशुभ, तेईस दुर्भाग, तीसवा अशुभ, अशुभ ही है, इक्कीसवा अशुभ और बाईस दुर्भाग, तेईस अनादेय, चौबीस आयस कीर्ति और पच्चीस निर्वाण काम कर, आयस कीर्ति, आयस 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 लिख आयस क्या बोलेंगे दीदी, विसर्ग का दशा, अच्छा आयसस कीर्ति और निर्माण नाम कर, 25 निर्माण का नाम कर, इन द्वितीय 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है, यानी एक ही गुण स्थान में एक ही परिणाम से इन 25 प्रकृतियों का एक साथ बंध होता है। दीदी जी जो नई वाली पीडीएफ है इसमें बेंद्रिय नहीं लिखा हुआ, तेंद्रिय से है, नाम करके तिर्य गति उक्त पांच में से बेंद्रिय नहीं लिख रखा है इसमें, है जो पुरानी वाली, इसमें नई वाली जो पीडीएफ है इसमें नहीं है जी, ये जो ग्रंथ है वह तो नई पीडीएफ का ही है, इसमें तो लिखा है, लेकिन जो जो ग्रुप पे भेजी थी ना वो नई पीडीएफ उसमें नहीं है, इसमें तीन बेंद्रिय नहीं लिखा, पता नहीं ग्रंथ में तो लिखा है, हाँ प्राकृत में तो लिखा है लेकिन इसमें अर्थ में नहीं है, अर्थ में भी लिखा है त्रयक गति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुर इंद्रिय जाति, ये जो मेरे पास पीडीएफ है इसमें बेंद्रिय मिसिंग है, जिसके पास भी है उनके भी सबके होगा मिसिंग, अलग है वो ग्रंथ से, अलग है पीडीएफ, थोड़ा अलग है, है ना, इसमें नहीं है फिर, नहीं इस ग्रंथ की नहीं दी है, नहीं उन्होंने उन्होंने कहा तो था कि इस ग्रंथ की ही है, बट दो तीन जगह ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं दी है उन्होंने, और अशुद्धियां भी बहुत है जो मतलब बोलने में, हाँ, अशुद्धियां भी बहुत ज्यादा, हाँ जी नहीं तो उनसे निवेदन करिए ना कि जो हाँ जी ग्रंथ वाली पीडीएफ हो उसे भेजिए, मैं कर चुकी हूँ दीदी जी लेकिन अभी तक सफलता नहीं पाए, और एक दीदी जी इससे ऊपर वाले सूत्र में जो दे रखा है एकेंद्रिय जाति बादर और सूक्ष्म इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, तो एकेंद्रिय जाति बादर और एकेंद्रिय जाति सूक्ष्म ही होगा या बादर का ही नहीं होता है, बादर प्रकृति का तो होगा ना आगे,
एक इंद्रिय के साथ बादर का नहीं होता, बंधन नहीं होता, कहाँ लिखा? ये इससे ऊपर जो ये सूत्र पढ़ा ना अभी, उसके 79 सूत्र के जो नीचे है ना, क्योंकि उपरिम गुणस्थान वर्ती जीवों के एकेंद्रीय जाति बादर और सूक्ष्म, तो एकेंद्रीय जाति बादर और एकेंद्रीय जाति सूक्ष्म होगा ना, ये बादर तो फिर एक अलग के साथ इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, ये के साथ नहीं होता, एक साथ लिखना है इसमें जुड़ना था। भंग जो बनाए हैं तो 32 भंग तभी तो बनेंगे कि जब बादर का होगा तब सूक्ष्म का नहीं होगा, जब सूक्ष्म का होगा तब बादर का नहीं होगा, तभी 32 बनेंगे। नहीं, भंग के नीचे नहीं, जो गुणस्थान वर्ती बता रहे हैं कि उपरिम गुणस्थान वर्ती जीवों के, मतलब उपरिम गुणस्थान भंग के स्वामी ही उन्यासी में बताए, तो भंग बनते होंगे तब तो स्वामी बनेंगे। दीदी जी, भंग का तो ऊपर है, ये आगे जो है ना, क्योंकि उपरिम गुणस्थान वर्ती स्वामी का जो भंग बनाए उनके स्वामी बताए इस सूत्र में, तो ये के साथ नहीं, क्योंकि उसी सूत्र में देखिए ना, एक इंद्रिय जाति पर्याप्त बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त, इन दोनों का एक साथ नहीं होगा। जब बादर का हो, क्योंकि प्रतिपक्षी प्रकृतियां, जब बादर का होगा तब सूक्ष्म का नहीं होगा, जब सूक्ष्म का होगा तब बादर का नहीं होगा, ऐसा। वो तो समझ आया दीदी जी, ये कह रहे हैं उपरिम गुणस्थान वर्ती, यानी कि जो दूसरे गुणस्थान वर्ती हैं उन जीवों के, एकेंद्रीय जाति बादर और सूक्ष्म, इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो मतलब मेरे कहने का, पूछने का तात्पर्य है कि क्या मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही बादर का बंध होता है क्या, आगे नहीं होता है क्या, ये एकेंद्रीय जाति के साथ, एकेंद्रीय जाति के साथ बादर का बंध मात्र मिथ्या को गुणस्थान। आवाज चली गई है, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, आवाज भी नहीं है, वीडियो भी गड़बड़ है। और दो इंद्रिय आदि भी है, एक इंद्रिय के साथ बादर का भंग मात्र मिथ्या को दर्शाने, साधारण आदि दो इंद्रिय के साथ बादर का भंग हो सकता है और मिथ्या के साथ नहीं, एक इंद्रिय के साथ नहीं, और सूक्ष्म तो मात्र एक इंद्रिय ही होते, दो इंद्रिय आदि सूक्ष्म होते ही नहीं। इसको पुनः दोहरा दीजिए, क्योंकि ये सुनाई नहीं दिया, गड़बड़ चल रहा नेटवर्क। ये जो 25 प्रकृतियों का, ये जो पहला बंद स्थान बताया उसके अंग कितने हो सकते, तो जितनी सप्रति पक्षी प्रकृतियां हैं उन्हें तो लेकर के तो सप्रति पक्षी प्रकृतियों में बादल सूक्ष्म, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये षष्ठी, ये
प्रतिपक्षी यानी इनमें से कोई एक बांधेगी दूसरी नहीं बांधेगी, इस तरह से इनके भंगों हो जाएंगे प्रतिपक्षी अलग नहीं। अब इसके बाद उन्यासी सूत्र में ये 25 प्रकृति बाला बल किस जीव के होता उसकी चर्चा की। एक इंद्रिय जाति पर्याप्त बादल सूक्ष्म इंद्र से संयुक्त प्रियंच गति को बांधने वाले मिथ्या जीव, क्योंकि एक इंद्रिय से संयुक्त इसलिए मिथ्या है। दो इंद्रिय आदि से संयुक्त बादल हो सकता है पर रस होगा वो एक इंद्रिय नहीं होता, स्थावर नहीं होता। एक इंद्रिय के आत्म बादल सूक्ष्म में आदि पर किसी का कोई भी वश नहीं। और आज शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है, कोई बस नहीं। क्योंकि फादर आवाज चला गया, फिर बादल तक ही आया क्योंकि बादल बस। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? मेरा तो नहीं आ रही, अभी आवाज नहीं आ रही है, बंद नेट गड़बड़ नहीं आ रही है। हाँ नेट गड़बड़ हो रहा है। चूंकि बादल और वापस आवाज चली गई, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है वहां पर, वापस आवाज चली गई, सुनाई नहीं दे रहा, वीडियो भी नहीं है। हाँ ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रहा। ये जो दो भेद है ये मात्र एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय आदि सभी पादर होते सूक्ष्म नहीं होते, इसलिए बादर और सूक्ष्म इनका बंध एक इंद्रियों के और वह भी मिथ्यात्व दशा में। मिथ्यात्व के आगे एक इंद्रिय का बंधन नहीं होता, तो एक इंद्रिय संबंधी बादर और सूक्ष्म का भी बंधन नहीं होगा। ये अब इसके बाद 25 प्रकृतियों का दूसरा बंध स्थान इसे पढ़ना है। अब हाँ जी ममता भाभी जी, अस्सी दीदी तिरिक्ख गदिम तस अपज्जत संयुतम बंध माणस तम मिच्छा दिठिस। वह द्वितीय 25 जी दीदी आप उन्यासी पढ़ रहे एक 114 पेज पर 80 सूत्र पढ़ रहे। दीदी जी पढ़ लिया था ये पूरा, बस इसका वो जो नीचे का पैराग्राफ है वो पढ़ना है, बाकी ये तो पढ़ लिया था उन्होंने अलका भाभी जी ने। नहीं तो 79 माम ये पढ़ लिया है, 80 माम पढ़ना है।
अस्सी भाभी पढ़ लिया तभी मैंने आपको बताया ना कि इसमें बेंद्रीय जाति नहीं है इसमें लिखा हुआ। ये तो 79 का बताया। अस्सी भाव के नीचे वाला पैराग्राफ रह गया है, प्रगात उच्छ्वास ब्याह गति और स्वर नाम पर इन प्रकृतियों का एक बंद स्थान में बंद नहीं होता, बंद नहीं है, ये पढ़ना था। आवाज आ रही है? अस्सी में सूत्र से पढ़िए, ममता भाभी जी का भी शायद गड़बड़ है। चलिए निर्मला बहन जी पढ़िए। तत् इमं द्वितीय पाणु विषाय ठाणम तिरिक्ख गति वे इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिय पंचिंद्रिय चंतुणम चादिन में कदरम मेकदरम कम्मय शरीरम मेकदरम नहीं मेकदरम चादिन में कदरम मेकदरम मेकदरम औरालिय तेजा कम्मय शरीरम हुंड संतानम औरालिय शरीर अंगो वंगम असंपत्त सेव पट शरीर संगणम 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 वर्ण गंध रस पासम तिरिक्ख गदि पाओगा नूपुबी ए गुरु ए लहु अ गुरु अ लहु ए गुरु अ लहु उवगाद तस बादर ए पच्चत पत्ते शरीर अथिर अशुभ दुह दुहव अन्ना देच चेवठाणम ने आधे टाक हो वा के साथ चेवटानम। हाँ नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंद स्थानों में यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। तिर्यक गति एक ती इंद्रिय जाति, ती इंद्रिय जाति चतुर इंद्रिय जाति और पंचेंद्रीय जाति, इन चारों जातियों में से कोई एक, दो नंबर। औदारिक शरीर तीन, तेजस शरीर चार, कार्मण शरीर पांच, हुंड संस्थान छह, औदारिक शरीर अंगोपांग सात, असंप्राप्ता श्रम पाटिका शरीर सहनन आठ, वर्ण नौ, गंध दस, रस ग्यारह, स्पर्श बारह, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी 13, ए गुरु लघु 14, उपघात 15, त्रस 16, बादर 17, अपर्याप्त 18, प्रत्येक शरीर 19, अस्थिर 20, अशुभ 21, दुर्भग 22, अनादि 23, अयश कीर्ति 24 और निर्माण नाम कर्म 25। इन तृतीय 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। अर्थ पर घात उच्छ्वास 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 विहायो गति और स्वर नाम कर्म इन प्रकृतियों का इस बंद स्थान में बंद नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियों के बंद का अपर्याप्त प्रकृति के बंद के साथ विरोध है तथा अपर्याप्त दशा होगी तो
परगात उच्छ्वास बिहायु गति और स्वर इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा क्योंकि उनके पर्याप्ति पूरी होना नहीं शरीर ही नहीं बन पाया तो अन्य के घात में निमित्तता कैसी होगी। स्वस्वच्छवास भी नहीं होता, गमनागमन भी नहीं होता और वचन योग या भाषा पर्याप्ति भी नहीं तो इनका बंध नहीं होगा। हाँ जी। तथा अपर्याप्त काल में इन परघात आदि प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता है। जिन प्रकृतियों का यहाँ जहाँ पर उदय होता है उन प्रकृतियों का ही वहां पर बंद होता है। ये वाली प्रकृति सबका नियम नहीं समझना। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के साथ ऐसा नहीं है, उनका बंद रुक जाएगा दसवें का व्यय होते ही और उदय चलेगा बारहवें के अंत तक। पर ये जो प्रकृतियां यहाँ गिना तो इनका तो बंद और उदय साथ साथ चलता, तो जहां जिनका बंद नहीं वहां उनका उदय भी नहीं। हाँ जी। उक्त कथन में स्थिर और शुभ प्रकृतियों के द्वारा अनेकांत दोष नहीं आता है क्योंकि ध्रुव संबंधी शुभ और अशुभ प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है। शेष सूतार्थ तो सुगम है। यहाँ पर ध्रुव संबंधी मतलब जैसे यहाँ जो कहा था अस्थिर अशुभ दुर्भग अनादे यशस कीर्ति ये सब अध्रुव प्रकृतियां और ये पाप प्रकृतियां, ये पुण्य प्रकृतियों के साथ इनका नहीं होगा। यानी अस्थिर से उल्टी स्थिर ये पुण्य प्रकृति, अशुभ से उल्टे शुभ ये पुण्य प्रकृति, दुर्भग से विपरीत सुभग, अनादे से विपरीत आदे, ऐशस कीर्ति से विपरीत यशस कीर्ति, ये पुण्य प्रकृतियां ये परस्पर विरोधी तो इनका एक साथ बंध नहीं होता। हाँ जी। सूतार्थ सुगम है। यहाँ पर त्रि इंद्रिय आदि चार जातियों के विकल्प से चार भंग होते हैं, बाकी तो सब एक एक ही प्रकृतियां, मात्र चार जाति वाली अलग अलग। तो दो इंद्रिय जाति के 25 अलग, तीन इंद्रिय जाति के 25 अलग, चार इंद्रिय जाति के 25 अलग, पंच इंद्रिय जाति के 25 अलग, इस तरह से चार भंग बन जाएंगे। अब ये किन के बंध थी मतलब इनके स्वामी कौन, अब इनकी चर्चा। हाँ जी। तिरिक्त गदिम तस अपचत संचुतम बंध मानस तम मिच्छा दिट्टिस वह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंध स्थान त्रस और अपर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। क्योंकि अपर्याप्तक दशा, अपर्याप्तक मतलब यहाँ लब्धि अपर्याप्तक, वह एकमात्र मिथ्यात्व दशा में ही होती, अन्य में नहीं। तीन का बंध मात्र मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता, एक इंद्री वाली। ये दीदी जी अभी आपने जो दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय के जो 25-25 बताए ये किस अपेक्षा से बताए? ये विकलत्रय, विकल चतुष्क, विकलत्रय नहीं विकल चतुष्क त्रस। अरे ये भी लब्धि अपर्याप्तक होते क्षुद्र भाव वाली सम्मूचन, तो जो लब्धि अपर्याप्तक होते उन्हीं के मात्र पहला गुण स्थान,
और लब्धि पर्याप्त दशा क्षुद्र भव यानी श्वास के 18वें भाग मात्र का जीवन, इससे अधिक नहीं। तो इसमें जो 25 अंक बताया वो किस अपेक्षा से बताया? यही 25 प्रकृति है, तो दो इंद्री की अलग, फिर तीन इंद्री की, चार इंद्री की, पंच इंद्री की, किस अपेक्षा से मतलब क्या? नहीं, जैसे आपने बताया कि जो इंद्रिय का बता विकल्प ये आया था वर्णन इसके ऊपर कि द्वि इंद्रिय आदि चार जातियों के विकल्प से चार भंग होते हैं। हाँ, ये जो ऊपर वाली पंक्ति है इसके, तो दो इंद्रिय के पूरे 25 अलग हो गए, फिर तीन इंद्रिय के अलग, चार इंद्रिय के अलग, पंच इंद्रिय के अलग, इस प्रकार चार भंग हो गए। विकल त्रय में तो दीदी जी दो से चार इंद्रिय के जीवों को ले रहे हैं ना? विकल त्रय नहीं है यहाँ, विकल चतुष्क। अच्छा, विकल चतुष्क है, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। दीदी जी इसमें एक मिसिंग है, चोइस ही है हमारी नई वाली में, एक कौन सी मिसिंग है ये नहीं पता लग। कहाँ? चोइस ही है इसमें, जो 25 होनी चाहिए ना, चोइस ही है। ये जो पहला दे रखा है इन्होंने, पांच तीन दी जाति, चौन दी जाति, 25 दी जाती, इन चारों जातियों में से कोई एक तो एक आना चाहिए, या इन्होंने दो नंबर लगा रखा है, तो एक मिसिंग है, कौन सी अभी इसमें? शुरू में त्रियक गति लिखा है, त्रियक गति शुरुआत में, त्रियक गति में लग गए यार, एक पहला त्रियक गति। अच्छा, और अंत में भी 25 ही आया है, मतलब त्रिय गति के आगे एक नहीं लगाया ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि ये दो जो लगा है वो एक गति में एक आ गया, और फिर चार जाति में से कोई एक जाति यहाँ दूसरा, ठीक है, अंतिम भी 25 ही है। इसमें नई वाली में त्रिय गति के आगे एक नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। ग्रंथ में तो लिखा है, गिन भी सकते हैं, गिनने में 25 आ रही है। हाँ जी, आगे। वो सूत्र सुगम है, यानी 25 जो बताई इनका बंध कौन करता, ये बताया 81 में कि त्रस और अपर्याप्त नाम कर्म से सहित त्रियंच गति को बांधने वाला मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अपर्याप्त दशा मात्र पहले गुणस्थान में होती और गुणस्थानों में लब्धि पर्याप्त दशा नहीं होती। अब इसके बाद 23 प्रकृति वाला भंग। दीदी जी अपर्याप्त अवस्था में शरीर नहीं बना तो शरीर अंगोपांग और औदारिक शरीर का बंद और उदय होगा क्या? उदय तो रहेगा और अंगोपांग भी रहेगा, अन्यथा तो पर्याप्ति ग्रहण करना मतलब आहारक दशा यही नहीं बन पाएगी। तो आहारक दशा हुई है और पर्याप्तियां ग्रहण की, यानी नो कर्म वर्गनाएं ग्रहण हुई, पर शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो पाएगी और मरण हो जाएगा। जब आहार ग्रहण करता तो आहार पर्याप्ति में खल भाग और रस भाग ये परिणमन हो जाता, खल से हड्डी आदि और रस से रक्त आदि, तो इसका मतलब अंगोपांग का उदय वहां है तब ये विभाजन होगा और औदारिक शरीर का भी उदय, पर बन नहीं पाएगा, मरण हो जाएगा।
इस तरह से 26 का हुआ, 25 का हुआ, अब इसके बाद 23 का, ये त्रयंच गति का अंतिम मतलब पांचवा, यानी कुल पांच स्थान त्रयंच गति के बताए थे एक 63 में सूत्र में। 30 प्रकृति संबंधी, 29 प्रकृति संबंधी, 26 प्रकृति संबंधी, 25 प्रकृति संबंधी, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। अब अंतिम 30 प्रकृति संबंधी, और ये समाप्त होते ही त्रयंच गति संबंधी बंद स्थान समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी शिल्पा बहन जी। जी दीदी जी, सूत्र नंबर 81 तिरिक्ख गदिम ब्यासी पढ़ना। सूत्र नंबर 82 तत्थ इमम तेवी साय ठाणम तिरिक्ख गदी ए इंदिय जादी ओरालीय तेजा कम्मई शरीरम हुंड संथाणम वन्न गंध रस फासम तिरिक्ख गदिया तिरिक्ख गदी पाओ गाणु भी अगुरुव लगुव उवगाद थावरम बादर सुहुमान सुहुमान मेक्कदरम अपजत्तम पत्तेय साधारण शरीरान मेक्कदरम अथिर असुह दुहव अनादेज्य अजस्कित्ति निमिणम रिदासिम तेविसा। पढ़ेगा शिल्पा बहन जी, आवाज आ रही है जी। पूरे वापस पढ़ो, पढ़ लीजिए। तत्र इमं तेवी सायट ठाणं तिरिक्खगदी ए इंद्रिय जादी ओरालीय तेजा कम्मई शरीरं हुंड संठाणं वन्न गंध रस फासं तिरिक्खगदी पावगाण पुव्वी अगुरुव लघुव उवगाद थावरं बादर सुहुमान मेक्कदरं अपजत्तं पत्तेय साधारण शरीरान मेक्कदरं अथिर असुह दुहव अनादेज्य अजस्कित्ति निमिनम एदासिम तेविसाय पयडीन मेक्खम ही चेवत्थानम। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंद स्थानों में यह 23 प्रकृति संबंधी बंद स्थान है। नंबर 1 तिर्यंच गति, तिर्यक गति, 2 एकेंद्रिय जाति, 3 औदारिक शरीर, 4 तेजस शरीर, 5 कार्मण शरीर, 6 हुंड संस्थान, 7 वर्ण, 8 गंध, 9 रस, 11 तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, 12 अगुरु लघु, 13 उपगात, 14 स्थावर बादर और सूक्ष्म इन दिनों में से एक, नंबर 15 16 अपर्याप्त प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इन दोनों में से एक, नंबर 17 अस्थिर, नंबर 18 19 अचूक, 20 दुर्भग, 21 अनादेय अयशस् कीर्ति, 22 और निर्माण नाम कर्म, 23 इन 23 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है, यानी एक से ही परिणामों के साथ और मात्र एक गुण स्थान में ही इनका बंध होता है। शंका, यहाँ पर अर्थात 23 प्रकृति रूप बंध स्थान में सहनन कर्म का बंध क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों में सहनन कर्म का उदय नहीं होता है। हाँ। यहाँ पर रुकिए, सहनन धातु उपधातु हड्डी आदि ये एकेंद्रीय जीवों के नहीं होते, तो चूंकि उनके सहनन नाम कर्म का उदय नहीं, बंध भी नहीं, यहाँ बंध की चर्चा, इसलिए सहनन का उदय नहीं लिखा। हाँ जी, यहाँ पर बादर और प्रत्येक शरीर इन दो युगलों के विकल्प से 2×2=4 चार भंग होते हैं। हाँ। सुगम है, यानी एक बादर संबंधी है 23 का, फिर सूक्ष्म संबंधी 23 का,
प्रत्येक शरीर 23 का और साधारण शरीर है 23 का, इस तरह 23 के कुल 4 गुण हुए। अब इनके स्वामी हाँ जी, ये जो इसके अंदर वनस्पति काय जीवों के अंदर या एक इंद्रिय जो जीव है उनमें तैलन नहीं होता है, हाँ जी, उन जीवों को वनस्पति काय जीवों का जो अपन इसीलिए तो मांस आदि का दोष नहीं लगता। सहनन हो तो धातु उपधातु होंगी तो वो मांस भक्षण का दोष आएगा। एक इंद्रिय के सहनन नहीं है, धातु उपधातु नहीं, इसलिए मांस भक्षण का दोष नहीं आता। जीव तो वह भी है और जीव ये भी है, तो सहनन की अपेक्षा से ये मानेंगे कि शरीर की जो संरचना है उसका अंतर, यानी एक इंद्रिय के शरीर में धातु उपधातु नहीं है, दो इंद्रिय आदि के में है, इसलिए दो इंद्रिय आदि के भक्षण से मांस भक्षण का दोष है, एक इंद्रिय के भक्षण से मांस भक्षण का दोष नहीं। एक इसमें ये भी बताया जाता है कि एक इंद्रिय जीव जैसे वनस्पति उनमें यदि अपन ने फल को तोड़ा भी है या फल टूटा है अपन ने लिया है तो पुनः उस पर फल की प्राप्ति हो सकती है, परंतु जैसे हम लोगों की या जो जिसमें धातु उपधातु है दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय के जीवों के अंदर अंग का विभिन्न अंग हट भी जाए अंग की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये जो बात आई है ना सहनन के दीदी से, तो सहनन के अपेक्षा से तो उनका आदि दोष से लग रहा है जो अभी आपने बोला। नहीं तो सहनन नहीं होता इससे उत्पत्ति का क्या लेना देना, उत्पत्ति के लिए नहीं देना, ये कि क्वेश्चन का दोष है इसमें, तो एक कारण आपने बताया कि धातु उपधातु नहीं है इसमें, तो मार्क क्वेश्चन का दोष किसमें? वनस्पति काय की वो जो अपन लेते हैं वनस्पति काय में मांस भक्षण का दोष तो मैंने कभी नहीं कहा। नहीं जो इसमें सहनन का अभाव होने के कारण मांस खाने का दोष नहीं लगता है ये बोला था, ये बताया था। तो जो अन्य जाति के जो जीव है जो अपने को इसके तत्व देते हैं बोलते हैं जीव और हम लोग जिन चीजों का जो त्रस्तादी जीव को उनको मिलते हैं तो वह भी जीव है, तो हम इसमें दोनों में दोष तो बराबर है, वो ये बात बताते हैं। दोष बराबर नहीं है ना, वहाँ मांस आदि है, एक इंद्रिय में मांस आदि नहीं है, दो इंद्रिय में ज्ञान अधिक है, एक इंद्रिय में ज्ञान कम, दो इंद्रिय के प्राण अधिक, एक इंद्रिय के प्राण कम, ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरी, तो एक इंद्रिय की अपेक्षा दो इंद्रिय जीवों की घाट में ज्यादा हिंसा होती है। ऊपर बढ़ती जाएगी हिंसा का भाव, दो इंद्रिय से ज्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्राण बढ़ेंगे ज्ञान बढ़ेगा तो उनके घात में हिंसा भी उसी अनुपात में अधिक। एक इंद्रिय के मात्र 4 प्राण, अकेला स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान, तो उनके घात में कम हिंसा, दो इंद्रिय के 6 प्राण और स्पर्श रसना संबंधी ज्ञान, तो उनके घात में अधिक हिंसा, ऐसे ऊपर ऊपर और अधिक बढ़ती जाएगी हिंसा। किसमें फिर से बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ फिर से बोलिए। एक बार अपना चर्चा इस बारे में हुई थी ना कि द्विदल का दोष ज्यादा है
अभक्ष मतलब आलू इसके, तो फिर ऐसी चर्चा निकली थी ना कि अभक्ष में समानता रहती, उसमें प्राण के हिसाब से हम काउंट नहीं करते। तो वो तो हम संख्या की अपेक्षा कि एक इंद्रिय में अनंत और दो इंद्रिय आदि असंख्यात, तो कोई कहे कि अनंत से असंख्यात की हिंसा कम हुई, प्राण तो ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए तो वो बराबरी पे आ गए ना। अच्छा। यानी वहां अनंत जीव थे और यहाँ असंख्यात, तो भी अभक्ष एक से, क्योंकि यहाँ प्राण अधिक है वहां प्राण कम थे। यानी अनंत एक इंद्री और असंख्यात त्रस आदि, ये बराबरी पे आ गए। क्यों? उस प्राण को लेके, तो वहां अनंतों के प्राण या असंख्य के बराबर, इसलिए उनमें फिर हीना दिखता का व्यवहार नहीं होगा। सही बहन जी, जैसे अपने पास अगर आलू आदि अभक्ष अपने पास में ही अवेलेबल है और कोई कहता है कि शुद्ध भोजन लेके आने के लिए 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो रास्ते में जो जीव मरेंगे, तो वो जीव मरने से आलू में जो जीव मरेंगे वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो क्या कहा मतलब? कहा जाए शुद्ध भोजन मत जाओ लेने, उपवास कर लो, पर आलू क्यों खाने? दोनों में से एक को चुनना पड़े तो क्या करना चाहिए? जाके लाना चाहिए वो? जाके लाना चाहिए, क्योंकि आप एरिया समिति से जा सकते, सावधानी पूर्वक जा सकते, पर अनंत जीवों को नहीं बचा सकते। वहां सावधानी कोई काम नहीं करेगी। शुद्ध भोजन दूर जाकर के भी करना पड़ रहा तो चलेगा, और अशुद्ध भोजन पास वाला भी नहीं चलेगा। हाँ जी, मतलब रास्ते में कितने भी कितने जीव, तो आप उस सावधानी पूर्वक प्रवर्तन कर सकते हैं, और जो शुद्ध भोजन करना चाहेगा वह सावधान तो नियम से होगा ही, और यदि आयतनाचारी वृत्ति, तो वो शुद्धता का नाटक कर रहा है फिर। और शुद्धता में तो और भी अल्टरनेट, मान लो दूर जाकर लाने का भाव नहीं, यहां ही अचित फल ले ले, अप्रतिष्ठित फल ले ले, सूखे फल ले ले, आवागमन के चक्कर में क्यों उलझ रहा? हाँ जी, अब ये 23 प्रकृतियां किनके बंध थी उनकी चर्चा पढ़िए। 13 सिंहासूत्र। हिरिक्ष गदिम ए इंद्रिय अपज्जत बादर तुहमाण मिक्कदर संयुक्तम बंधमानस तम मिच्छादिठिस। वह 23 प्रकृति रूप बंध स्थान एकेंद्रिय जाति अपर्याप्त तथा बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से किसी एक के संयुक्त, किसी एक से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। ये मिथ्या दृष्टि में ही, क्योंकि अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब लब्धि अपर्याप्त, और लब्धि अपर्याप्त दशा एकमात्र मिथ्या दृष्टि के होती। यहां तक ये त्रियंच गति संबंधी बंधे स्थान हो गए। अब इसके बाद मनुष्य गति संबंधी 3 बंध स्थान,
उनकी चर्चा शुरू हो रही। हाँ जी ज्योति बहन जी। मनुष्य गदी नामाए त्रिनि ठाणानी तीसाए एक तीसाए पणु तीसाए पणु विसाए ठाणम चेती। मनुष्य गति नाम कर्म के तीन बंध स्थान है, तीस प्रकृति संबंधी, 29 प्रकृति संबंधी और 25 प्रकृति संबंधी बंध स्थान। संग्रह लय का सूत्र है क्योंकि कहे जाने वाले सर्व अर्थ के आधार रूप से इस स्थान है, मात्र संपूर्ण संख्या गिनाना, इसलिए संग्रह लय का। अब वो 30 कौन कौन सी, 29 कौन कौन सी, ये अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा फिर पर्याय आर्थिक नय का। पढ़िएगा। तथ्य इमं तीसाए ठाणम पंचिंद्रिय जादि ओरा लिय तेजा कम्मय्य शरीरम तम चौरस संठाणम ओरा लिय शरीर अंगो बंगम बज्रिस सह संगढ़ वर्ण गंध रस फासम मनुष गदी पाओ गाणु पुप्पी अह लघुह उपघात उस्सास पसत्थ विहाय गदी तस बाद पज्जत पत्ते शरीरम हिरा थिराण मेक दरम सुभ आदेजम जस कीर्ति अजस कीर्ति दरम निमिणम दरम एदा सिम तीसाए पैडीण मेकमी चेवठाणम। नाम कर्म के मनुष्य गति संबंधी बंधी स्थानों में यह 30 प्रकृति रूप बंध स्थान है। मनुष्य पंचेंद्री जाति 2, औदारिक शरीर 3, तेजस शरीर 4, कारण शरीर 5, समचतुष संस्थान चतुरस संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग 7, सब नाराज सहनन 8, वर्ण 9, रस 11, स्पर्श 12, मन गति प्रायोग्यानु पूर्वी 13, लघु 14, उपघात 15, परघात 16, उच्छ्वास 17, प्रशस्त विहायु गति 18, पादर 20, पर्याप्त 21, प्रत्येक शरीर 22 और अस्थिर, इन दोनों में से अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक 23, अशुभ इन दोनों में से कोई एक 24, 21, सुस्वर 26, आदेह 27, यश कीर्ति और अयशस कीर्ति में से कोई एक 28, निर्माण 29 और नाम कर्म 30। इन 30 प्रकृतियों के बंद स्थान का एक भाव में अवस्थान है, यानी गुणस्थान भी एक और एक ही भाव से इन 30 प्रकृतियों का बंध हो जाएगा एक ही बंध स्थान में, इसलिए बंध स्थान ये। प्रारंभ में जो ये नाम कर्म के कुल
आठ बंद स्थान गिनाए थे 60वें सूत्र में। तो ये प्रकृति की अपेक्षा, यानी 31 प्रकृति वाला, 30 प्रकृति वाला इस तरह से। अब इस संख्या वाले यदि अनेकों भी आते हैं और अलग अलग गति में, तो भी वे एक ही गिने जाएंगे। जैसे 30 प्रकृति वाला त्रियंश गति में भी आया, मनुष्य गति में भी अभी आ गया, पर प्रकृतियां 30 ही, तो वे एक में ही गिनी जाएंगी। इस तरह से नाम कर्म के 8 बनेंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि है ना, भले कोई सी भी गति में हो लेकिन वो एक ही कहलाएंगे 30 प्रकृति वाले। हाँ, यानी 30 बंदरें तो वो एक में, 25 बंदरें तो वो एक में, इस तरह के भाव सब उसी प्रकार के रहेंगे, भले कोई सी भी गति में हो, गति के अनुसार रहेंगे। हाँ, जैसे मनुष्य गति के 30 तो सम्यक दृष्टि के बंद रहे, तो इनके भाव तो सम्यक दृष्टि जैसे रहेंगे। पहले जो 30-29 आए थे, ये मिथ्या दृष्टि हो साधन सम्यक दृष्टि के थे, तो उनके जैसे भाव, ये अंतर पड़ेगा। यहाँ जो 8 बताए, ये मात्र संख्या को लेकर, गति में भी अंतर, भावों में भी अंतर, पर संख्या उतनी, तो संख्या को लेकर के चर्चा। हाँ जी, शंका, तीर्थंकर प्रकृति के साथ उदय में नहीं आने वाली अयस अयस कीर्ति का उसके साथ बंद कैसे संभव है? हाँ, शंका ख्याल में आई, तीर्थंकर प्रकृति सातिशय पुण्य प्रकृति, अयशस कीर्ति तो पाप प्रकृति, तो ये दोनों एक साथ कैसे बनती? उसी परिणाम से पुण्य भी, उसी परिणाम से पाप भी, ये कैसे? हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि उनके उदय के समान का कोई विरोध नहीं है। उदय एक साथ नहीं आएगा, बंद तो एक साथ हो सकता। दीदी, बंद के लिए भी एक साथ परिणाम फिर कैसे होंगे? अपन जो भोजन करते हैं, एक ग्रास पूरा बनाया, अथवा थाली में जो जो भी सामान था, दाल रोटी चावल नमक मिर्च मसाला घी तेल दूध दही जो जो भी था, अब उससे ही पित्त बनता और उससे ही कप बनता, और पित्त और कप तो अलग अलग उल्टे, और भोजन तो वही था, यानी उस भोजन में ही यह योग्यता थी। ऐसे ही एक ही परिणाम, और उससे पुण्य प्रकृति का भी बंध होता है और पाप का, क्योंकि परिणाम एक साथ दो नहीं होते, परिणाम एक होता है, उससे बंध हो जाएगा। ये तो हर चीज में देखते, एक आम पेड़ में एक साथ लगा, पानी एक साथ, खाद आदि एक सी, छिलका कड़वा, रस मीठा, बीज कषायला, और जबकि सब कुछ एक साथ था, तो ये अंतर पड़ जाता। हाँ जी, फिर ऐसा, फिर कौन सा परिणाम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये कैसे नक्की होगा? यानी एक ही परिणाम से दोनों तरह का हो रहा है काम, तो इसीलिए तो ये बार बार कह रहे कि सभी परलक्षी परिणाम मत कीजिए, बहिर्लक्षी वृत्ति मात्र ही। निचली भूमिका में अगर एक का चयन करना है तो भी वापस वहीं आ गए, मतलब तो उसमें भी
देखो ये जो व्यापार करते हैं, जितनी अधिक कमाई होती टैक्स उतना अधिक देना पड़ता। एक लाख पर, एक लाख, तीन लाख बिल्कुल टैक्स नहीं, तीन लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं। अब फिर जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, तो कमाई क्यों बढ़ाना। और ऐसे भी उदाहरण हैं 50% टैक्स देते, क्यों करना है गधा मजदूरी कि 50% तो हमारे पास बचे ना, इसलिए यानी 50 करोड़ रुपए कमाए तो 25 करोड़ तो हमारे पास बचे ना। अब कोई ये कहे 3 लाख पर बिल्कुल टैक्स नहीं था, तो 3 लाख में संतुष्ट रहो कि कहां 3 लाख और कहां 25 करोड़। तो भले 25 करोड़ टैक्स दे देंगे पर 25 करोड़ तो बचेंगे। ऐसे ही यहां कि शुभ की अधिकता वाला परिणाम चुनेंगे मजबूरी में, पर हे बुद्धि उस पर भी रहेगी क्योंकि उसके साथ भी पाप बंद रहा। ये जैसे हम उदाहरण से लें कि सर्वार्थ सिद्धि का परिणाम बंद रहा है, तो उसके साथ पाप कौन सा बंद रहा है जिसकी सजा भी बड़ी होगी? ऐसा चारों घाती कर्म पाप है, उनकी स्थिति अनुभाग भी बड़े बड़े बनेंगे फिर। ऐसा बड़े बड़े तो चौथे गुणस्थान में है, चौथे गुणस्थान से भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक स्थिति नहीं बनती, पर पूरा घाती कर्म पाप बंद रहा। अघाती में भी जो पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति उनमें स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा, उनमें भी पड़ेगा। तो ऊंचा पुण्य बंधा तो उसके साथ पाप भी ऊंची उसका बंधेगा, मतलब ज्यादा समय का आपका अनुभाग कम होगा। तो फिर टैक्स ज्यादा देना कैसे हुआ, यानी वो उदाहरण हम यदि इसमें समझे। इसीलिए तो वे कह रहे ना कि आप बिल्कुल ही बहिर्लक्षी वृत्ति मत करो ना। अब नहीं बच पा रहे तो फिर चुनाव करेंगे। ये हाँ जी, तो इस तरह से कहा कि इनके बंध में विरोध नहीं है, यानी पुण्य पाप एक साथ बनता रहता। उदय एक ही जाति वाले का एक साथ नहीं आएगा, अन्य में तो आता रहेगा। यानी घाती पाप का उदय चल रहा और अघाती में पुण्य का भी, ये चलता रहेगा। यही अपन रुकते हैं। हाँ जी, कल और परसों दो दिन में यहाँ नहीं हूँ, तो यहाँ सचिंद्र भैया जी अभी यहाँ विराजमान हैं, ये चलाएंगे। आप लोग विधिवत ऐसे ही समय पर जुड़िए और पूरा पूरा अपना सहयोग दीजिए। चर्चा वार्ता भी खुल करके करिए, कदाचित कोई समस्या आएगी तो 11 तारीख से तो मैं ही हूँ, मात्र 9 और 10 दो तारीख को ही, नहीं तो 2 तारीख में अपनी शंका समाधान तो करिए। और कोई यदि अस्पष्टता रहेगी तो 11 तारीख को फिर मैं ले लूंगी। रात्रि का भी ऐसे ही, रात्रि के दोनों ही यानी मूलाचार्य जी का भी और समय सारणी का भी अपने सचिंद्र भाई साहब चलाएंगे। तो ये सोच करके कि बीच चला रहे इतने से को लेकर हटिए मत, क्यों, क्योंकि हट करके कोई अच्छे काम में नहीं जाएंगे ये पक्का, इसलिए इसमें जुड़े रहिए। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति।
नीचे नीति नीचे में बता उसे के लिए चिने वाणी मां शत्रुभा नमो हरि हंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं नमो हरि हंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय अहिंसामयी चैन धर्म की जय पंच परमेष्ठी भगवान की जय सभी को साधक जय।